27 जुलाई को जन्मे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है। इन लोगों का संपूर्ण जीवन अप्रत्याशित घटनाओं से ओतप्रोत रहता है, ख्यालों की दुनिया में ज्यादा रहते हैं। अच्छे रिसर्चर साइंटिस्ट साबित हो सकते हैं, कला के किसी न किसी क्षेत्र से या फिर गुप्त रहस्यों की और गुप्त विद्या की ओर इनका विशेष रूप से झुकाव हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ऑकल्ट में, तंत्र मंत्र विद्या में या फिर कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाता है तो खूब सफलता पाता है। मूड्स इनके बहुत जल्दी और ज्यादा स्विंग होते हैं, जिस कारण जो सोचते हैं उसे कार्य रूप देने से पहले ही संशय करने लग जाते हैं, अपने ही डिसीजन पर सवाल खड़ा कर देते हैं, जिस कारण इनके प्रोजेक्ट लटके रह जाते हैं। वैसे ये लोग अच्छे मित्र हैं, संकोची स्वभाव है, कामुक हैं, रोमांटिक हैं, अपने पार्टनर की इन्हें पूरी अटेंशन चाहिए। उनका ये लोग पूरा ख्याल भी रखते हैं, केयरिंग नेचर है, अपनी फैमिली अपने रिश्तों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, दूसरों की फीलिंग्स को भी अच्छे से समझते हैं, इसीलिए ये लोग एक अच्छे हीलर काउंसलर साबित होते हैं। पानी से इन्हें बेहद लगाव है, वर्षा का मौसम इन्हें बहुत प्यारा है, समुद्र झरने इन्हें भाते हैं, पानी से इन्हें खतरा भी बना रहता है, पानी से जुड़े काम करते हैं तो उसमें भी सफल रहते हैं। यंग एज में गलत आदतों का, नशे का ज्यादा काम वासना में पड़ सकते हैं। धन की इन्हें कभी तंगी नहीं रहती, बट स्टेबल भी नहीं रहता इनके पास धन। 27 जुलाई को जन्मे लोगों का मूलांक होता है 9। 9 यानी मंगल की एनर्जी, लेकिन 27 के इस अंक में चंद्रमा और केतु की एनर्जी भी शामिल है। चंद्रमा और केतु के मिलने से यहाँ पर मंगल की उत्पत्ति हुई है। चंद्रमा इन्हें यहाँ पर इमोशंस देता है, यूजफुल आइडियाज देता है, केतु गहराई देता है। अब ऐसा व्यक्ति ओवरथिंकर हो जाएगा, अपने ही डिसीजन पर शंका करेगा, भ्रमित हो जाएगा, यहाँ उसका सारा जोश पानी हो जाएगा। इसीलिए ऐसे लोगों की लाइफ में काफ़ी संघर्ष रहता है, ज़्यादा सोच विचार कर मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट ना मिलना इन्हें फिर डिप्रेशन की स्थिति तक ले जाता है। इनकी सोच फिर नेगेटिव होने लगती है, ये लोगों से सलाह मशवरा करते हैं तो यहाँ भी इन्हें लोगों की परख नहीं होती है, लोगों को पहचानने में ये लोग अक्सर भूल कर बैठते हैं। इन्हें बेवकूफ बनाने वाले, इनसे पैसा लूट कर खाने वाले इनको ज़्यादा मिलते हैं, और ये इमोशंस में आकर खर्चे भी खूब करते हैं उन पर। आपका स्वभाव खूब खर्चीला है, लेकिन आप अपने ऊपर खर्चा नहीं करते, अपनों पर करते हैं, अपने प्रियजनों पर खूब लुटाते हैं, जिसे एक बार पैसा उधार दे दिया वापस मुड़कर आपको मिलता नहीं है, आप मांगते नहीं हैं, परिणाम स्वरूप अपनी सारी जमा पूंजी में आप ऐसे ही समाप्त कर डालते हैं। आप दूसरों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, जिस कारण गलत डिसीजन आप ले बैठते हैं। केतु यहाँ आपको पूरी तरह से भ्रमित रखता है, या तो आप किसी पर भी विश्वास नहीं करेंगे, या फिर जिस पर भी ट्रस्ट करेंगे ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे। आपका ब्लाइंड ट्रस्ट करना ही आपकी सफलता में बाधा लेकर आता है। आपको अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए, दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करें। बाहर के लोगों पर विश्वास करने की बजाय घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करें या फिर काउंसलिंग की मदद लें। 27 का ये अंक काफ़ी अच्छा माना गया है, धन संपदा सत्ता पावर इन सब का सूचक है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी पूर्वाभास कराता है, आपको सांसारिक दुनिया से विमुक्त करने का, डिटैच करने का काम करता है, अध्यात्म और चिंतन का मार्ग दिखलाता है। आप लोगों पर ईश्वरीय कृपा भी हमेशा बनी रहती है, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनके काम अपने आप ही सफल होते चले जाते हैं, आप उनके लिए लकी साबित होते हैं, लेकिन आपकी अपनी लापरवाही के चलते आप परेशानी में पड़ जाते हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल चलती रहती है। 27 जुलाई को जन्मे व्यक्ति की सूर्य राशि है कर्क, जिसके स्वामी हैं चंद्रदेव। कुंडली में सूर्य आपका जिस भी राशि में होगा वही आपकी सूर्य राशि होगी। अगर आपका सूर्य कर्क राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका सूर्य मिथुन राशि का है तो आपको मेरी 27 जून वाली वीडियो देखनी होगी, और अगर आपका सूर्य सिंह राशि का है तो आपको 27 अगस्त को आने वाली मेरी वीडियो का इंतजार करना होगा, तभी आप अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूर्य राशि हमारी सामाजिक छवि को दर्शाती है, आपका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा ये सूर्य राशि से हम भली भांति जान सकते हैं।
यहाँ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करें तो अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी को ध्यान में रखकर करें। हमारी बर्थ डेट हमारी नेचर को दर्शाती है, जबकि भाग्यांक जो कि ईश्वर के द्वारा दी गई डेस्टिनी है हमारे पूरे जीवन की डेस्टिनी है। इसीलिए हम सभी को अपनी सूर्य राशि और अपनी डेस्टिनी के अनुसार ही अपने कैरियर का चुनाव करना चाहिए, तभी हम लाइफ में सक्सेस अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र अपने आप पर भी डालना चाहती हूँ। मैं आर रोमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 से 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा, ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं और जान लेते हैं 27 जुलाई को जन्मे लोगों के बारे में थोड़ा और अधिक गहराई से। आप लोगों पर मंगल, चंद्रमा और केतु का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। चंद्रमा यानी कि हमारे इमोशंस, हमारी सॉफ्टनेस, हमारी फीलिंग्स, हमारा मन कैसा है। केतु हमें गहराई देता है, गहन अध्ययन देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें भ्रमित भी करता है, भटकाव की तरफ ले जाता है। एक छाया ग्रह है मंगल, पराक्रम है, जोश है, जुनून है। चंद्रमा स्त्री कारक ग्रह है तो मंगल पुरुष प्रधान ग्रह है, अग्नि तत्वी राशि है। पानी यहां पर आग को बुझाने का काम करेगा। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में विरोधाभास देखने को मिलेगा। मन के अंदर हमेशा एक द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा, क्या करें क्या ना करें। लाइफ में इनके अनसर्टेनिटी, एक अस्थिरता बनी रहती है। इनके मूड्स भी बहुत जल्दी स्विंग होते हैं। इनके मस्तिष्क में 24 घंटे विचार ही चलते रहते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, मन में लगातार सवाल उठते रहते हैं, क्यूरियोसिटी बहुत होती है। मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो अच्छे से होगा या नहीं होगा, काम चलेगा नहीं चलेगा, यानी कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। इसी कारण इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा संघर्ष में निकल जाता है। इन लोगों को समय समय पर एक मेंटोर की, एक काउंसलर की, मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती रहती है, जो आपको सही रास्ता दिखाए, आपका शुभ चिंतक हो, आपका सच्चा साथी हो, आपको आगे बढ़ने में मदद करे। हाँ, अगर कुंडली में चंद्रमा और मंगल केतु मजबूत स्थिति में है तो सफलता जल्दी मिल जाती है। यहाँ पर एक बात और निकल कर आती है कि इन लोगों को अपने ही करीबी लोगों से, प्रियजनों से धोखे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, खासकर अपने करीबी दोस्तों से, प्रियजनों से। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इनके करीबी ही इनसे अपना काम निकालते हैं, काम ही निकालते रहते हैं। यहाँ तक कि इनके अपने जीवन साथी के साथ भी तालमेल बैठने की संभावना बहुत कम होती है। इनका जीवन साथी भी इनको समझ नहीं पाता है, इन्हें सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ तक कि इनके सेपरेशन तक की नौबत आते भी देखी गई है। इन्हें अच्छे और सही मित्रों की पहचान नहीं है, ये हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। आप लोग हंसमुख हैं, जोशीले हैं, काम के प्रति अपने पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं, लेकिन भावनाओं में जब बह जाते हैं तो जो भी काम करते हैं, जिसकी भी मदद करते हैं, बदले में आपको तकलीफ ही मिलती है। सामने वाला आपकी फीलिंग्स का पूरा फायदा उठाता है, जानते हुए भी कि सामने वाला आपको यूज़ कर रहा है, आप कहते कुछ नहीं है, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा किसी की भी मदद करना और बदले में आपको थैंक्स भी ना मिलना आपको विचलित कर देता है। आपको यहाँ समझना है, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट ना लगाएं, उतने ही मददगार बने जितना कि सामने वाला आपके प्रति है, उतना ही रिलेशन रखें जितना कि सामने वाले ने आपके साथ रखा है, वरना इसका बुरा असर आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके वर्क प्लेस पर, आपके फैमिली लाइफ पर भी पड़ सकता है। हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा देने में बिलीव करता है, ममतामयी छवि है। आप भी अपने रिश्तों को उसी स्नेह के साथ संभाल कर बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। चंद्रमा धन का कारक है, कैश फ्लो आपका अच्छा है, मंगल प्रॉपर्टी का कारण है, ऐसे में आप लोगों के पास धन संपत्ति की कमी कभी नहीं रहती है। अगर कुंडली में मंगल और चंद्रमा अच्छी और मजबूत स्थिति में हुए तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक विचारों वाला होगा, स्पिरिचुअल होगा, भावुक होगा, लेकिन मन पर इनके कंट्रोल होगा। दूसरों के मन की बात ये बड़ी सरलता से समझ जाते हैं,
दूसरों को प्रभावित करने की इनमें अद्भुत क्षमता है। ज्योतिष और गूढ़ विद्याओं में ऑकल्ट साइंस में इनकी विशेष रुचि होती है। कला के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। इनके पास अच्छी जमीन जायदाद होती है। पेरेंटल प्रॉपर्टी भी इन्हें अच्छी खासी मिलती है। अचानक से धन लाभ के योग भी बनते हैं। पुलिस विभाग या सेना में ये लोग नौकरी कर सकते हैं। अच्छे एथलीट साबित होते हैं। इन्हें मान सम्मान भी खूब मिलता है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होगा। राजनीति में या सरकार से संबंधित कार्यों में इनको लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। दूसरों पर शासन करने की, उन पर नियंत्रण रखने की, लोगों को कंट्रोल करने की इनकी लालसा होगी। सुख संपत्ति वैभव का ये अच्छा भोग करते हैं। इनकी मैरिड लाइफ भी खुशियों से भरपूर होगी। ऐसा व्यक्ति एनालिटिक खूब होगा, पैशनेट तो होगा ही, मानसिक रूप से भी बहुत प्रबल होगा। और इसके विपरीत कुंडली में मंगल, चंद्रमा या फिर केतु खराब स्थिति में हुए तो इनके अपने भाइयों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध नहीं होंगे। मित्रों में और प्रेम संबंधों में इन्हें ज़्यादातर धोखा ही मिलेगा। इनका मन अस्थिर रहेगा, हमेशा मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। अननेसेसरी ही फालतू की बातों में इनका ज़्यादा ध्यान होगा। घर क्लेश बना रहेगा, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी हो सकती है प्रॉपर्टी को लेकर। बेहद कामुक प्रवृत्ति के होंगे ऐसे लोग। मन में हर समय फैंटेसी की बातें ज़्यादा घूमेंगी। मंगल अगर ज़्यादा खराब स्थिति में हुआ तो चारित्रिक पतन की ओर ऐसा व्यक्ति जा सकता है। प्यार और सेक्स की पूर्ति हेतु एक के बाद एक रिलेशन बनाता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी होगी। रिस्क टेकर नहीं होगा, हमेशा द्वंद्व में रहेगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। आलसी बहुत होगा। ऐसा व्यक्ति आर्थिक तंगी का सामना करेगा। झूठ बोलने वाला होगा, जोश में आकर बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन जब काम करने का समय आएगा तो सब बातें धरी रह जाएंगी, आलस करने लगेगा। इनका ये जोश ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता है। काम के प्रति ऐसा व्यक्ति जो है बेरुखी अपनाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने क्रोध पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाएगा। इनकी मैरिड लाइफ, इनकी फैमिली लाइफ कलेश में निकलेगी। यहाँ तक कि पति पत्नी में तलाक हो सकता है, या फिर कोई इनमें से एक विधुर या विधवा होने की नौबत भी आ सकती है, या फिर दोनों अलग अलग रह सकती हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किसी से अगर धोखा मिला तो बदले की भावना इनमें आ सकती है। आपका मंगल कैसा है, आपका चंद्रमा कैसा है, आपका केतु कैसा है, ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरी अच्छे और खराब मंगल, चंद्रमा या फिर केतु के लक्षण वाले इन वीडियोस को मेरे दूसरे चैनल पर, एस्ट्रोलॉजी के मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर मंगल खराब है तो मंगल के उपाय करें, चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा और केतु के उपाय करें। इन सब के बावजूद परिस्थितियां इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाएं कि कुछ समझ ना आए तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। आप लोगों के मित्र अंक बनते हैं 1, 2 और 3। 1 का अंक सूर्य देव, 2 का अंक चंद्रदेव और 3 का अंक गुरुदेव। आपके सम अंक समान अंक हैं 6 और 7, यानी कि 6 का अंक शुक्रदेव और 7 का अंक केतु। आपके शत्रु अंक होते हैं 4, 5 और 8। 4 का अंक राहु का, 5 का अंक बुध देव और 8 का अंक शनि देव का। आप लोगों की शुभ तिथि है 9, 18 और 27। आपके शुभ दिन शुभवार हैं ट्यूसडे, थर्सडे। आपके लिए शुभ रंग होता है लाल, लाल के सभी शेड्स, गुलाबी, पिंक कलर, मैरून कलर, नारंगी कलर, ऑरेंज के सभी शेड्स, जितना ज्यादा हो लाइट शेड प्रयोग में लाएं। आप लोगों की दोस्ती और कंपैटिबिलिटी उन लोगों के साथ अच्छी और अधिक घनिष्ठ देखी गई है जो आपके ही टाइम पीरियड में पैदा हुए हैं, यानी कि 21 मार्च से 27 अप्रैल, 21 जून से 27 जुलाई, 21 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य के समय। अगर इस समय के बीच में आपके साथी का जन्म 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो सोने पे सुहागा। इसके अतिरिक्त 21 फरवरी से 27 मार्च, 21 जुलाई से 27 अगस्त और 21 नवंबर से 27 दिसंबर के मध्य जन्म लोगों के बीच आपके विपरीत लिंगी आकर्षण आसानी से देखे जा सकते हैं। अगर इस समय के बीच में आप 9, 18 या 27 तारीख को कोई नया कार्य आरंभ करते हैं, कोई शुभ कार्य संपन्न करते हैं, तो ये भी आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी
समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आरुमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।